Hey, hi everyone, this is Mayan Ghatari, and today in this video, we are going to move over to the second type of derivatives. In the previous video, we have seen दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जब हमने टाइप्स ऑफ डेरेवेटिव शुरू किया था उसके बाद में हमने देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन कौन पार्टीज इन्वाल्व होती है क्या क्या चीज़ें डिसाइड होती है नाव वी आर गोइंग टू मूव आउट टू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर आइडेंटिकल मतलब दोनों में ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट चीजें सेम हैं ट्रांजेक्शन सेम है प्रोसेस सेम है, है ठीक है कुछ कुछ जो चीज़ें हैं थर्टी परसेंट चेंजेस जो है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा नाउ व्हाट इज एक्जैक्टली द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ध्यान देंगे पहले क्या होता था जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप एक वेजिटेबल वेंडर के पास में जाके भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था दो दोस्तों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप किसी के भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एंटर नहीं कर सकते देर इज़ सम रिस्ट्रिक्शन और आप जो होंगे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ये हो ठीक है और आपको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अब आपका कोई दोस्त कोई भाई काम नहीं आएगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आप किसी ऐसे ऐरे गेरे या फिर राह चलते लोगों के साथ या फिर किसी स्टोर पर्सन के साथ अपने दोस्त के साथ फैमिली के साथ नहीं एंटर कर सकते फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ एंटर होगा सर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ दिस इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिस इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंडियन पर्पज़ जैसे इंडिया में आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर खरीदना है उसमें भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो यू हैव टू गो टू द स्टॉक एक्सचेंज स्टैंडर्डाइज एक मार्केट प्लेस हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप एक सेकंड में या पाँच मिनट के अंदर में करोड़ों ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो करोड़ों पार्टीज होती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में उसी पाँच सेकंड के दरम्यान भी लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं लेकिन एक पार्टी सेम होती है वो है स्टॉक एक्सचेंज हम डायरेक्ट अपने फ्रेंड के साथ डील ना करते हुए हम इंटरमीडियरी के थ्रू डील करते हैं इंटरमीडियरी यानी क्या कौन हो गया स्टॉक एक्सचेंज एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ में क्यों जैसे पहले अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते थे तो हमारा दोस्त होता था लेकिन अब ऐसा किस्सा नहीं रहा अब हमको अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो हमको स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करना पड़ेगा बोलने का मतलब सिंपल पहले हम फॉरवर्ड बायर थे पुराने वाले में हम क्या थे फॉरवर्ड बायर थे यहाँ ये फॉरवर्ड सेलर था अब क्या हो गया हम तो फॉरवर्ड बायर ही है लेकिन फॉरवर्ड सॉरी हम तो फ्यूचर्स बायर है और ये बंदा जो है वो फ्यूचर सेलर हो गया बंदा कौन स्टॉक एक्सचेंज बस पार्टी बदल गई सर अभी तक आपने जितना भी बताया ना अभी तक आपने जितना भी बताया उसमें सिर्फ एक चेंज है फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में वो है पार्टी बदल गई किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते एंटर नहीं कर सकते फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के साथ आप एंटर करोगे ठीक है इसका मैं रीज़न भी आपको दूंगा नाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जब मैंने बोला था दैट इज़ आइडेंटिकल मतलब जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ठीक है सो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ था uh, ऑनियन की बात करें जैसे वेजिटेबल वेंडर के साथ में था ऑनियन या बी वाली एग्जाम्पल की बात करते हैं बी एम डब्ल्यू खरीदनी तो असेट डिसाइड हुआ था बी एम क्वान्टिटी डिसाइड हुई थी वन ठीक है फॉरवर्ड बायर कौन था मी फॉरवर्ड सेलर कौन था आप ठीक है सॉरी ये सब चीज़ें यहाँ लिखनी चाहिए थी असेट डिसाइड हुआ था बी एम क्वान्टिटी डिसाइड हुई थी वन टाइम डिसाइड हुआ था तीन महीने का लेट्स से और पी एम डब्ल्यू वन फॉरवर्ड बायर कौन था मैं फॉरवर्ड सेलर कौन था यू प्राइस डिसाइड हुई थी यानी कि स्ट्राइक प्राइस आप बोलोगे उसको स्ट्राइक प्राइस थी नाइन्टी फाइव लाख रुपीस ठीक है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम ही चीज़ होएगी असेट डिसाइड होगा क्वांटिटी फॉर फ्यूचर्स बायर फ्यूचर सेलर स्ट्राइक प्राइस डिसाइड हुई नाइन्टी फाइव लाख रुपीज ठीक है टाइम डिसाइड हुआ थ्री मंथ्स सब कुछ तो सेम है सर व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंस क्या था देखो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब लेते थे दिस वाज व्हाट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज़ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज़ में मान लू सो फॉर्वर्ड बायर हो वो अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहलाएगा फ्यूचर्स बायर सो वो कौन था मैं ठीक है फॉरवर्ड सेलर था यहाँ पर फ्यूचर सेलर यहाँ पे फॉरवर्ड सेलर आप थे यू लेकिन यहाँ पे फ्यूचर सेलर कौन हो जाएगा एक्सचेंज नाम बदल गया ये पार्टी बदली अंडरलाइंग असेंट दोनों केस में क्या था बी स्ट्राइक प्राइस दोनों केस में क्या थी नाइन्टी फाइव लैक्स मेचोरिटी डेट दोनों केस में क्या थी थ्री मंथ्स क्वांटिटी कितनी वन स्पॉट प्राइस कितना था लेट्स से नाइन्टी लैक्स सब कुछ तो सेम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देन पार्टी बदली बस इतना सा डिफरेंस के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ जैसे अंडरलाइंग असेट आपने लिया बी पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते थे लेकिन स्टॉक एक्सचेंज अगर बी पे फ्यूचर्स दे रहा है तो ही आप उस पर अंडरलाइंग वो उस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले पाओगे अगर स्टॉक एक्सचेंज के पास में बी पे कोई फ्यूचर्स नहीं है यू के नॉट टेक द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दिस इज द प्रॉब्लम इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रेक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं उसमें ना मे्योरिटी डेट सेट होती है वन मंथ में मेच्योर हो रहा है टू मंथ में मेच्योर हो रहा है थ्री मंथ्स में मेच्योर हो रहा है लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एज सच मेचोरिटी डेट सेट नहीं रहती मतलब कुछ फिक्स नहीं रहती कि तीन ही महीने के आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आप चाहते हो किसी पार्टी के साथ में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मेचोरिटी uh, डेट चार महीने दस दिन की हो तो चार महीने दस दिन भी मिलेगा लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा चार महीने दस दिन नहीं मिलेगा या तो तीन महीने या तो चार महीने स्टैंडर्डाइज वर्जन है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सो स्ट्राइक प्राइस मेचोरिटी डेट क्वान्टिटी ले लो क्वान्टिटी जैसे मैंने यहाँ एक कहा अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक क्वान्टिटी पॉसिबल है तो अदरवाइज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लॉट पे काम चलता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लॉट पे काम चलता है मतलब कम से कम दस तो खरीदने ही पड़ेंगे आपको बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक भी पॉसिबल है दो भी पॉसिबल है तीन भी पॉसिबल है स्पॉट प्राइस ले लो नाइन्टी लैक्स ठीक है ये तो सेम ही रहेगी दोनों के इसमें मेजर डिफरेंस बताऊँ व्हाट इज़ द रीज़न पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ठीक है ये हमारी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी ये मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं ये हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में देख लिया था अब मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द डिफरेंस इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद अनादर पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंटर्ड नाउ विद द एक्सचेंजेस हु विल एक्ट एज एन इंटरमीडियट मैंने भी यही चीज बताई आपको स्टार्टिंग में की, सर डीलर जो बंदा दूसरा बंदा उसके साथ ना डील करते हुए किसी ऐसे वैसे के साथ में भी डील ना करते हुए अब हमको अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हम स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे तो सर क्वेश्चन ये है मेरा आपको कि आ, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई और उसमें मुझे ये लगता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही बेटर है क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये बताया कि हर टाइप ऑफ असेट ट्रेड नहीं होता फॉरवर्ड में कोई भी असेट ट्रेड होता है इसका मतलब क्या सर मैं अगर मेरी शर्ट भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेचना चाहूं तो पॉसिबल है लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज शर्ट नहीं बेचता स्टॉक एक्सचेंज बर्तन नहीं बेचता घर के स्टॉक एक्सचेंज कप नहीं बेचता स्टॉक घर के बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एनी टाइप ऑफ असेट इज पॉसिबल कोई भी अंडरलाइंग असेट पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो लेकिन कोई भी अंडरलाइंग असेट पे फ्यूचर्स नहीं ले सकते तो फ्यूचर्स तो सर बुरा हो गया एग्जैक्टली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम डेली यूज़ में नहीं लाते मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ आपकी मेरेट तो डेली यूज में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर नहीं होते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर एंटर होते थे बहुत बार फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं होते क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है सबसे पहली बात तो अगर इसे खरीदना बेचना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे ही जाना पड़ेगा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के पास कुछ लिमिटेड असेट्स है हर चीज़ नहीं बेच रहा वो कैमरा माइक टीवी ठीक है फर्नीचर बिल्डिंग हर चीज़ नहीं बेच रहा ये हर चीज़ पॉसिबल है फॉरवर्ड में लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं है फ्यूचर्स में तो लिमिटेड होने की वजह से लोगों की नीड लिमिटेड हो गई तो लोगों का जा, जाना वहाँ पे डेरिवेटिव्स में या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जाना स्टॉक एक्सचेंज के पास लिमिटेड हो गया इसलिए लोग नहीं जाते इसलिए डेली लाइफ में हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते पहली चीज दूसरी चीज़ मेचोरिटी डेट जो है मतलब मेरे को अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्टॉक टाटा मोटर्स ले लो या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक दस महीने बाद चाहिए होगा लेकिन दस महीने बाद का आपको चाहिए होगा सॉरी दस महीने बाद आपको चाहिए होगा तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी अपने दोस्त के साथ में एंटर कर लो दस महीने की मेच्योरिटी पॉसिबल है लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में टाटा मोटर्स पे दस महीने का फ्यूचर्स मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसमें दो तीन ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एक महीने की मेच्योरिटी दो महीने की मेच्योरिटी तीन महीने की मेच्योरिटी तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है दूसरा प्राइसेस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस डिसाइड हुई है मान लो हजार रुपए का फ्यूचर्स का स्ट्राइक प्राइस है ये स्ट्राइक प्राइस पे आप निगोशिएट नहीं कर सकते मैं स्टॉक एक्सचेंज आप फ्यूचर्स वाली पार्टी आप मेरे पास में आओगे टाटा मोटर्स का तीन महीने का मेचोरिटी वाला फ्यूचर्स चाहिए मैं बोला ठीक है ले लो भाई स्टॉक एक्सचेंज ले लो भाई हजार रुपए प्राइस है स्ट्राइक प्राइस आप निगोशिएट करना शुरू करोगे नहीं पॉसिबल ना आप निगोशिएट कर ही नहीं सकते आपके पास में राइट ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज या फ्यूचर्स क्या बोलता टेक इट और इट या तो ले लो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ या तो चले जाओ यहाँ से टेक इट और लिव इट दिस इज़ द डिफरेंस बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द पार्टीज डिसाइड निगोशिएशन होता है तू थोड़ा कम कर मैं थोड़ा कम करता हूँ तू थोड़ा बड़ा मैं थोड़ा कम करता हूँ ऐसा करके बीच की कोई प्राइस डिसाइड होती है सो दिस इज़ वन अगेन अगेन वन मोर रिस्ट्रिक्शन उसके बाद में इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बाद में आप बोलोगे कि एक सेकंड तो सर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा क्या है द थिंग इज फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का आपका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या है ठीक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम है और वो मेजर प्रॉब्लम है डिफॉल्ट रिस्क एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको ओ यह ले लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वापस जाते हैं और मैं बताता हूँ रियल लाइफ में क्या होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मान लो आप ये आ, आप हो और ये मैं हूँ आपने मेरे साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ आप फॉरवर्ड बायर हो आप फॉरवर्ड बायर हो मैं फॉरवर्ड सेलर हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है हमने डिसाइड किया असेट कि हम एक गाड़ी पे ट्रेड करेंगे मतलब ये मान लो वहीकल है ये वहीकल ये ट्रक जो है ये मैं आपको बेचूंगा मैं फॉरवर्ड सेलर हूँ आप फॉरवर्ड बायर हो मैं आपको ये वहीकल बेचूंगा आज से ठीक तीन महीने बाद और हमने स्ट्राइक प्राइस भी डिसाइड कर ली मतलब एक्सरसाइज प्राइस स्ट्राइक प्राइस या हमारी फॉरवर्ड प्राइस कि ये गाड़ी मैं आपको दस लाख रुपए में बेचूंगा ठीक है आज की इस मार्केट इस गाड़ी की मार्केट में वैल्यू है ग्यारह लाख रुपए लेट्स से सो मैं तीन महीने बाद क्योंकि ये पुरानी हो जाएगी तीन महीने बाद और भी मॉडल्स आ जाएंगे और आप तीन महीने बाद ये खरीदना तो मैं आपको दस लाख रुपये में बेच दूँगा आज से टिक टाइम नहीं क्वान्टिटी डिसाइड हो गई वन ठीक है सब कुछ आज हमारे बीच में डिसाइड हो गया आज से ठीक तीन महीने बाद आप फॉरवर्ड बायर हो आपको ख़रीदना है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे पता है कि आज से ठीक तीन महीने बाद ठीक है ये गाड़ी मैं आपको बेच दूँगा और आप मुझे पैसा दे दोगे दस लाख रुपए ये आपकी एक्सपेक्टेशन है ठीक है मैं रियलिटी बताता हूँ होता क्या है आज से ठीक तीन महीने बाद जब आप मार्केट में गए तीन महीने ख़त्म हो गए तीन महीने बाद आपने देखा कि यार ये गाड़ी जो है मतलब आज से लेके ये पूरे तीन महीने में ऐसा कोई भी नया मॉडल नहीं आया मार्केट में ऊपर से इस गाड़ी इस गाड़ी की सेल्स बढ़ गई डिमांड बढ़ गई लोगों को बहुत काम आने लग गई तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया मैन्युफैक्चरर ने क्या किया ये गाड़ी की प्राइसेस बढ़ा दी आज तीन महीने बाद इस मार्केट में स्पॉट मार्केट की प्राइसेस जो है इस गाड़ी के लिए वो चल रही है पंद्रह लाख रुपये ठीक है अब प्रॉब्लम क्या थी जब मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था ये जो बंदा है ना ये मैं हूं मैंने जब आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ये प्रॉब्लम मतलब क्या था कि मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी ना ही आपके पास गाड़ी थी और ज़रूरी भी नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कि भाई मेरे पास गाड़ी हो ना मैं क्या करूँगा मुझे लग रहा है यार इसकी ना ग्यारह लाख रुपये आज प्राइस है ज़ीरो टाइम पर नए मॉडल मार्केट में आएंगे ही आएंगे और इसकी प्राइस डाउन हो जाएंगी तीन महीने बाद में और मेरे को लगता है कि नौ लाख रुपए इसकी मार्केट में प्राइस हो जाएगी तीन महीने में इसीलिए मैं दस लाख रुपए में आपको बेचने के लिए तैयार हुआ था ये जो दस लाख रुपए डिसाइड हुआ था कैसे डिसाइड हुआ था इसीलिए डिसाइड हुआ था यार कोई भी बेचने वाला बंदा अगर ग्यारह लाख में बेच रहा है इसका मतलब वो नौ लाख या ग्यारह लाख से कम प्राइस में मार्केट से खरीद के लाएगा यही बात हुई ना कम प्राइस में मार्केट से खरीद के लाएगा अब तीन महीने बाद मुझे लगा मैं नौ लाख रुपये में खरीद लूंगा और आपको दे दूंगा अब तीन महीने खत्म हुए तीन महीने बाद मार्केट में देखा तो पंद्रह लाख रुपए प्राइस हो गई मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट प्राइस गई मुझे लगा प्राइस डू गिरने वाली है लेकिन प्राइस एक्चुअल में बढ़ गई अब क्या होगा तीन महीने बाद में आप अपने घर से निकलोगे आप मेरे पास आओगे तीन महीने बाद में मेरे घर पे आओगे और पता करोगे मैं तो भाग गया मैं घर पे हूँ ही नहीं आप खुश हुए क्यों खुश हुए थे तीन महीने बाद क्योंकि आज जिस गाड़ी की प्राइस पंद्रह लाख रुपए है वो आपको दस लाख रुपए में मिलने वाली थी दस लाख रुपए आप मुझे देने के लिए तैयार थे लेकिन आप मेरे घर पर आए और घर पर ताला मिला मैं तो भाग गया क्यों भागा क्यों क्योंकि मुझे वो गाड़ी पंद्रह लाख में ख़रीद के दस लाख रुपए में देनी पड़ती मार्केट में प्राइस कितनी चल रही पंद्रह लाख मेरा तो पंद्रह लाख का नुकसान होता ठीक है ये तो मेरे लिए पैसा जाता मेरी बात करो ठीक है फॉरवर्ड सेलर की और मैं ध्यान दो मैं अगर आपके एंगल से बोलूं तो आपके एंगल से आप गाड़ी खरीद रहे हैं दस लाख में जबकि उसकी मार्केट प्राइस है पंद्रह लाख में वो बिक रही है तो आपको तो पाँच लाख का फ़ायदा ही है लेकिन मेरे एंगल से देखो तो मैं बाय करूँगा पंद्रह लाख में और मैं आपको बेचूंगा दस लाख में जैसे अपना एग्रीमेंट हुआ तो मेरे लिए तो पाँच लाख का नुकसान है और ये नुकसान मैं हटाना चाहता हूँ मैं नुकसान बेयर करना ही नहीं चाहता मैं क्या करूँगा भाग जाऊँगा पहला ऑप्शन मैं क्या करूँगा घर पे मिलूंगा आपको लेकिन मैं मना कर दूंगा कौन भाई साहब क्या नाम है आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप भले कितने भी पेपर्स दिखाओ तो मैंने हाथ खड़े कर दिए नहीं देता जाओ क्या कर लोगे इसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क रिस्क कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा रिस्क कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनर ही नहीं करूंगा आपके पास में क्या ऑप्शन है बताओ आप बंदूक लेके मुझे मारोगे नहीं पॉसिबल आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट लो लॉयर के पास में जाओ उसके बाद मेरे पे केस फाइल करो केस कोर्ट में चलेगा कोर्ट में जो भी ऊपर नीचे होएगा उसके बाद देखा जाएगा और जीता जाएगा तो जीता तो जीता हारा तो हारा जो भी है लेकिन कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे दिस इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू यू पुलिस के पास जाके आप पुलिस को क्या क्रिमिनल तो हो नहीं क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते आर यू गेटिंग इट सो so, मेरे को तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल करोगे कि भैया इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और अब ये निभा नहीं रहे केस चलेगा लेकिन आपकी झंझट बढ़ गई क्योंकि जब आपने मुझसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उसी दिन इस कॉन्ट्रैक्ट में एक रिस्क तैयार हो गया था वो है फॉर डिफ़ॉल्ट रिस्क कि मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊंगा और मैं ही क्यों आप भी तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं मैं बताता हूँ कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं ये यहाँ पे मान लो उस दिन स्पॉट में मार्केट प्राइस हो गई आठ लाख रुपए ठीक है उस दिन आठ लाख रुपए प्राइस हो गई अब 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 अग, अगर आप मेरे एंगल से देखो ठीक है दिस इज मी एंड दिस इज़ यू मेरे एंगल से देखो तो मैं ये गाड़ी आठ लाख में खरीदूंगा और आपको दस लाख में बेचूंगा जैसे कि एग्री हुआ था ठीक है तो दो लाख का मेरे को बेनिफिट है लेकिन आपके एंगल से देखो तो आप आठ आप अगर आज मार्केट में ख़रीदने जाओ तो ये मार्केट में जो गाड़ी बिक रही है वो आठ लाख की बिक रही है और आप मुझसे ख़रीद रहे हो दस लाख रुपए में तो आपके लिए तो दो लाख रुपए का नुकसान हो गया और आप ठीक है अब उस दिन क्या हुआ उस दिन सुबह में उठा मैंने देखा मार्केट में प्राइस तो आठ लाख चल रही है मैं तैयार हो गया चल भाई साहब आज तो आप मेरे पास में आओगे मैं आठ लाख में गाड़ी खरीद के लाऊंगा और आपको दस लाख रुपए में भेज दूंगा मैं इंतजार कर रहा हूं सुबह हो गई दोपहर हो गई शाम हो गई लेकिन आप तो आए ही नहीं मेरे पास में मैंने फोन लगाने की कोशिश की आपने फ़ोन उठाया नहीं मैं आपके घर पर आया आप घर पर मिले नहीं क्यों क्योंकि आप नहीं चाहते थे अपना नुकसान करवाना इसलिए आप मेरे पास में आए ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने आप मार्केट से जाके आठ लाख रुपये में गाड़ी खरीद लोगे मेरे पास दस लाख रुपये में क्यों खरीदने आओगे अरे भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके और मेरे बीच में अरे भाड़ में गया वो कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल करना है केस फाइल कर दो आप मेरे को ये बोलोगे मैं क्या रहूंगा क्या मैं बदनसीब इंसान मैं कोर्ट में लॉयर के पास में जाऊंगा मैं उसको कहानी सुनाऊंगा उसके बाद मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा उसके बाद कोर्ट के चक्कर काटते रहूंगा बस यही करना बैठा है मैंने दो लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए मैं छोड़ दूंगा क्या हुआ वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पज था वो सॉल्व नहीं हुआ डिफॉल्ट हो गया आपकी तरफ से जब आपको नुकसान होने वाला है आप डिफॉल्ट कर सकते हो मेरे को नुकसान होने वाला है मैं डिफॉल्ट कर सकता हूँ दिस इज वॉट मेन रीजन इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट रिस्क और ये डिफॉल्ट रिस्क हटाया जा सकता है और कैसे ये मैं आपको अभी बताता हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था अब ऐसा नहीं होगा अब अपन क्या करते हैं एक बीच में इंटरमीडियरी को लेके आते हैं ठीक है हम बीच में एक इंटरमीडियरी को लेके आते हैं मैं मतलब ये आप हो ये मैं हूं आप जाओगे इस इंटरमीडियरी के पास में दिस इज कॉल्ड ए स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि हम अब फॉर्मेट बदल रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का आप इसके पास में जाओगे आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे ये इसको फ्यूचर्स बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज हम दोनों में अगर होता तो फॉरवर्ड होता है इनके बीच हो रहा है तो फ्यूचर्स आप फ्यूचर्स बाय करने के लिए अप्लाई करोगे जिसमें कि आपका सब कुछ आज डिसाइड हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि असट क्या है क्वान्टिटी क्या होगी प्राइस क्या होगी मेचोरिटी डेट क्या होगी ठीक है सब कुछ डिसाइड हो गया ठीक है स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा आपका जो बाय का ऑर्डर है फ्यूचर्स बाय करने का ऑर्डर किसी सेल वाले ऑर्डर के साथ मैच करेगा और कहीं मैं दिल्ली में बैठा मान लो आप हो मुंबई में बैठे मैं हूँ दिल्ली में बैठा मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और मैंने ना सेल का ऑर्डर डाला कि मुझे ये गाड़ी बेचनी है अब प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ कि बी गाड़ी हो या फिर कोई भी गाड़ी हो स्टॉक एक्सचेंज नहीं बेचेगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रियल लाइफ में मैं बस एक्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल है रियल लाइफ में फ्यूचर्स में नहीं पॉसिबल ठीक है तो स्टॉक में गाड़ी बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास गया मैंने ऑर्डर डाला तो स्टॉक एक्सचेंज ने ऑटोमेटिकली क्या किया आप मेरे सेल ऑर्डर को आपके बाय ऑर्डर के साथ में मैच किया ठीक है स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइस थी इसकी जो फ्यूचर्स की प्राइस थी दैट वॉज लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल सेम प्राइस रखते हैं नाइन्टी लाख रुपीज़ इसका मतलब क्या बनता है कि आज से ठीक तीन महीने बाद में आज से ठीक तीन महीने बाद में मैं स्टॉक एक्सचेंज को 95 लाख रुपीज़ में गाड़ी बेच दूंगा स्टॉक एक्सचेंज वो गाड़ी आपको बेच देगा 95 लाख रुपीज़ में ठीक है प्रॉब्लम यहाँ क्या है पता है अब आपके साथ डिफ़ॉल्ट नहीं होगा क्यों डिफॉल्ट आपके साथ नहीं होगा क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जिम्मेदारी लेता है गारंटी लेता है कि आपके साथ कोई डिफॉल्ट नहीं होगा यानी कि अगर मैंने बी गाड़ी स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दी तो स्टॉक एक्सचेंज कहीं और से ला आपको बी गाड़ी देगा आपने अगर नहीं खरीदा तो स्टॉक एक्सचेंज फिर भी मुझसे खरीदेगा मतलब मैं तो स्टॉक एक्सचेंज को बेचूंगा ही बेचूंगा भले ही आप ना खरीदो आप डिफॉल्ट कर जाओ स्टॉक एक्सचेंज के साथ डिफॉल्ट तो हम उन्हीं के साथ करेंगे ना जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज मैं कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के साथ कर रहा कराऊ हमारे बीच का तो डिफ़ॉल्ट रिस्क खत्म हो गया हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा जबकि इंटरमीडियरी के थ्रू हम अभी भी लिंक्ड हैं अगर मैं होता ही नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं होता ऑर्डर आप नहीं होते तो मेरा ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं होता मान लो है ना कोई बायर सेलर चाहिए होता है उसके लिए लेकिन हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट इनडायरेक्टली हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो। एक रिस्क जो खत्म हो गया वो है हम दोनों के बीच का डिफ़ल्ट रिस्क लेकिन एक्सचेंज के साथ डिफ़ॉल्ट हो सकता है आप शायद खरीदने से मना कर दो मैं शायद बेचने से मना कर दो इसीलिए एक्सचेंज क्या करता है पता है यहाँ पे ठीक है ध्यान देना यहाँ पे सॉरी इसकी बैटरी खत्म हो गई सो so, एक सेकंड होल्ड करना बस ठीक है ठीक है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ दो मिनट ध्यान देना जब कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है जीरो पॉइंट पे आप खड़े रहते हो थो, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है जीरो पॉइंट पे आप खड़े रहते हो उस टाइम पे हाँ यहाँ देखो ये टाइम पीरियड है यहाँ पे क्या हुआ तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी स्टॉक एक्सचेंज ठीक है मैं आप आप फ्यूचर्स बायर हो मैं फ्यूचर्स सेलर हूँ अब ध्यान देना मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ आप फ्यूचर बायर हो आपके लिए मैं फ्यूचर सेलर सॉरी स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर सेलर है और मैं फ्यूचर सेलर हूँ तो मेरे लिए स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर बायर है क्योंकि आप एक्सचेंज के साथ में डील कर रहे हो और आप बायर हो तो एक्सचेंज सेलर हुआ मैं एक्सचेंज के साथ में डील कर रहा हूँ मैं सेलर हूँ तो एक्सचेंज बायर हुआ एक्सचेंज बायर भी होता है सेलर भी होता है एक चीज़ अब क्या होगा जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा ना जीरो पॉइंट पे तो मैंने डाला सेल का ऑर्डर आपने डाला बाय का ऑर्डर 95 फाइव ,00 रुपीस की स्ट्राइक प्राइस थी असेट के रिस्क को प्राइस रिस्क को कि भैया ये बीएमडब्ल्यू की गाड़ी तीन महीने में कितना ऊपर नीचे जाती है इस रिस्क को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ये पता लगाएगा कि एक दिन में नुकसान कितना हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल नुकसान ठीक है और मान लो अगर एक्सचेंज को लगता है कि यार 95 फाइव ,00 की प्राइस गिर गिर के इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 95 फाइव ,00 लाख रुपीज में मान लो 10 परसेंट या बीस परसेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन है सो 20 परसेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्राइस अगर ऊपर गई तो डिफॉल्ट ये पार्टी करेगी यानी कि मैं जब नाइन्टी से बीस ऊपर लेके जाओ अगर उन्नीस सॉरी क्या नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव प्लस बीस परसेंट एक सौ चौदह अगर दूसरे दिन प्राइस एक सौ चौदह हो गई तो मैं नाइन्टी फाइव में क्यों बेचूंगा मैं डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ लेकिन नाइन्टी फाइव से बीस परसेंट अगर नीचे चली गई प्राइस तो जो असेट दूसरे दिन छिहत्तर लाख में मिल रहा है वो नाइन्टी फाइव से आप क्यों खरीदोगे तो आप डिफॉल्ट करोगे प्राइस नीचे गई तो आप डिफॉल्ट करोगे क्योंकि आप बायर हो प्राइस ऊपर गई तो मैं डिफ़ॉल्ट करूंगा क्योंकि मैं सेलर हूँ एक्सचेंज के साथ डिफॉल्ट होगा एक्सचेंज क्या करता है जीरो पॉइंट पे ही आपसे इनिशियल मार्जिन ले लेता है इनिशियल मार्जिन ले लेता है दोनों पार्टी से इनिशियल मार्जिन लिया जाएगा क्योंकि दोनों पार्टी एक्सचेंज के साथ में डिफॉल्ट कर सकती है इनिशियल मार्जिन आपसे ले लिया कितना 95 का 20 परसेंट नाइनटीन लैक्स आपसे 19 लैक्स लिया मुझसे 19 लैक्स लिया ये पैसा एक तरह का डिपॉजिट है एक्सचेंज के साथ में एक्सचेंज के पास पड़ा रहेगा अगर दूसरे दिन प्राइस गिरी और आपने डिफॉल्ट किया तो मान लो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ठीक है ध्यान देना दूसरे दिन अगर प्राइस गिरी 95 फाइव से 90 हुई तो पाँच लाख रुपए का नुकसान आपका है क्योंकि नब्बे की चीज़ दूसरे दिन नाइन्टी में आप खरीदने वाले हो क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है पाँच लाख का आपका नाइन्टीन में से काट लिया जाएगा और आपके पास जो डिपॉजिट अकाउंट पड़ा है ना एक्सचेंज के पास में उसमें आपका बैलेंस दिखेगा फोर्टीन लैक्स और मेरे इसमें पाँच लाख ये डाल दिया जाएगा और मेरे इसमें बैलेंस दिखेगा ट्वेंटी फोर लैक्स दिस इज़ वॉट इज गोइंग टू हैपन क्योंकि जो मैं नाइन्टी फाइव में बेच रहा हूँ आज उसकी प्राइस नाइन्टी हो चुकी है नाइन्टी फाइव में बेच रहा हूँ ज़्यादा में बेच रहा हूँ पाँच लाख रुपये तो मेरे को फ़ायदा है तो स्टॉक एक्सचेंज मेरे को पैसा दे देता है वो दिस इज़ वॉट हैप्प एक्सचेंज क्या करता है स्टार्टिंग में डिपॉजिट ले लेता है अब मैं इसको रिलेट करके बताता हूँ आपके दूसरे एग्जाम्पल से जैसे कि सॉरी आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो ठीक है मान लो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो हॉस्टल में, में रहते हो तो आप हॉस्टल में रहते हो या पीजी में रहते हो कहीं पे भी तो लैंड जो होता है लैंड जो होता है वो आपसे डिपॉजिट ले लाए डिपॉजिट लेता है सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लेता है पता है क्योंकि कल जाके आपका मन किया आप दारू पी के आए आपने नशे किए सस्ते वाले और घर में तोड़फोड़ की दूसरे दिन भाग गए नुकसान किसका घर मालक का इसीलिए वो क्या बोलता है कि आप मेरे पास एक अमाउंट डिपॉजिट रखो कल जाके आपने अगर डिफॉल्ट किया तो वो कांच का पैसा वो दरवाज़ों का पैसा जो तोड़फोड़ की उसका मैं आपके डिपॉजिट में से काटूंगा ऐसा केस होता है ये डिपॉजिट रहता है स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो फ्यूचर बायर और सेलर है ये डिपॉजिट रहता है स्टॉक एक्सचेंज के पास में कि कल जाके अगर हम दोनों में से किसी ने भी डिफॉल्ट किया किसी का भी नुकसान हुआ तो उस पैसों में से काटा जाएगा फायदा हुआ तो उस पैसों में डाला जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना हमारे बीच में मेचोरिटी पे या उसके पहले जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पूरा पैसा आपको वापस दे देगा नाइनटीन लैक्स प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अब इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ तीनों पार्टी सेफ है आप डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका पैसा जमा है मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पैसा जमा है स्टॉक एक्सचेंज को तो वैसे भी कुछ नहीं लेना देना था वो तो डिफ़ॉल्ट करेगा ही नहीं किसी के साथ में क्योंकि मतलब हाई अथॉरिटी है वो तो गारंटी देती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यही एक डिफरेंस है क्या डिफरेंस है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हमको गारंटी मिलती है डिफ़ॉल्ट रिस्क हट जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी नहीं मिलती फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्लस डिफॉल्ट रिस्क की जो गारंटी है अगर ये ले ऐड कर दी जाए तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ठीक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क होता है यहाँ डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता यहाँ किसी की भी पार्टी के साथ में आप एग्रीमेंट कर सकते हो यहाँ सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा बाकी सब कुछ सेम है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का काम करने का तरीका अलग है वो मैं आपको बताऊंगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का काम का का करने का तरीका अलग है बेसिक बस इस वीडियो में आप इतनी सी चीज़ ध्यान में रखो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेम है पहली चीज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस क्या क्या है मैं बताता हूँ तकरीबन कॉन्सेप्ट में सेम है डिफरेंस ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पार्टी के साथ कर सकते हो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के साथ करना पड़ेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेटा मैं कोई इनिशियल मार्जिन या डिपॉजिट नहीं लिया जाता फ्यूचर्स में लिया जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है फ्यूचर्स में डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी असेट पे ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेड अटेट्स होते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा चार से पाँच माह का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अगले आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल में कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं फिलहाल के लिए बाय बाय